मौजा का और मौजा, ये बंदे लोग बहुत अच्छे हैं, तो इनका फील्ड भी काफ़ी, एक्चुअली इन्होंने बॉम्बे में बहुत फैला के रखा है, तो सोचा कि इनके साथ एक बार मौका मिल गया है तो हाथ बढ़ा दे और लेट्स सी। अबे अपने एक बोल सकते हैं ऐसा मौजा, मौजा का कुछ नहीं, बस हमको गिरल के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर। अभी हम लोग जो फ्लेमिंगो टेबल 15 को लॉन्च, यस सर, तो आप बता दें। फ्लेमिंग जैसे मैंने बताया, ये मेरा बचपन का शौक था, शौक से शुरुआत की है, तो अभी एक था फ्लेमिंग दैट इज़ इन बोरीवली, एक दूसरा है कांदिवली और एक ऑफिस है बोरीवली में, बहुत बड़ा है, दिस इज़ नियर एंड अबाउट 12,000 स्क्वायर फीट, तो नाउ लेट्स सी हाउ इट गोज। कस्टमर मीन्स लाइक आई थिंक सो 100% दे विल गो विद द सेटिस्फेक्शन ओनली, वी आर सर्विंग ओनली प्योर वेज। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं यहाँ पे आई, सैंडी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, फर्स्ट टाइम मैं सोच रही थी, मुझे बहुत अच्छा क्यों लगा बिकॉज मैं भी यहाँ पे ही रहती हूँ इसके आजू बाजू में, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने ये सुना, तो मैंने सोचा नहीं आज तो मैं जाऊँगी और देखूँगी। अब जब मैंने यहाँ पे आ गई और जब मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग पहले से अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी बताया, तो मुझे लगा यार वाह बहुत ही कूल प्लेस है और मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया बट मैं यहाँ पे पहुँच गई। वेलकम एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बाहर का ही खाना खाती हूँ, कल भी मैंने खाया ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं 10-20 टाइम्स कह सकते हैं हम लोग अभी होटल में। नहीं, इट्स गॉन बी द फर्स्ट टाइम। हाँ, टू मच, आई एम क्रेजी फॉर इट, लगता नहीं होगा कि मैं इतना खाती हूँ, बिल्कुल नहीं लगता है। डिपेंड्स कि कैसा क्या है, लाइक इंडियन हो जाता है, फिर कभी कोई चाइनीज हो जाता है, लाइक आई मीन टू एवरी थिंग, आई लाइक टू ट्राई फूड, बट आई माई फेवरेट फूड इज़ पाव भाजी, इंडियन ज़्यादा अच्छा लगता है। वेज प्योर गुजराती, गुजराती अभी मैं, मेरा एक मूवी आ रहा है युद्र विद सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ज़रूर अभी थोड़े टाइम में रिलीज़ हो जाएगा, एंड मैंने विक्रम वेदा करा है विद ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान, वो ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में अब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। थैंक यू। यही बोल सकते हैं, हाँ यही क्लब है जी भाई। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, डीवाईबी क्लब ओपनिंग हो रही है, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन है और बहुत अच्छी जगह है, आप सब आइए देखिए, आज इनकी ग्रैंड ओपनिंग है। थैंक यू मेहुल भाई, ही इज़ माय फ्रेंड एंड ही इज़ इनवाइटेड अस, और बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, प्लीज़ आप लोग सब आइए एक बार। हेलो मैम जी, मैम आप क्या बोलूँगी, जी सर आप क्या बोल रहे हैं, गुड लक टू यू एंड योर सक्सेस वेटिंग फॉर नेक्स्ट इनवाइट। चलो तीनों साथ में बोलो, मैं थ्री बोलूं तो गुड लक टू बीवाईबी क्लब, गुड लक, अरे 1 2 3 सर मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं भले ही कोई सवाल कर रहा हूँ आप देखिए सामने, ठीक है रेडी सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम नीलेश है, एनएम एंटरप्राइजेस से हूँ, हमारा फाइनेंस कंपनी है, मैं प्रोड्यूसर हूँ खुद और मैं सोशल वर्क भी करता हूँ। खालिद भाई और सादिक भाई दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ क्योंकि आज उनका ओपनिंग है वीआईपी का, और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और एनएम एंटरप्राइज की तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू, थैंक यू। पार्टी मूड में आया हूं, वैसे पहले तो नमस्कार कहिए, क्या सुनेंगे आप लोग, नमस्कार टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच शादाब भाई एंड खालिद भाई फॉर इन्वाइटिंग मी एंड ऑफकोर्स सैंडी फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, मैं बहुत ही खुश हूँ, आई हैव ड्रेस फॉर द ओकेजन, क्योंकि ओकेजन के हिसाब से ड्रेस करना मेरी खासियत है, और ये है मूसा होटल्स का इनॉग्रेशन, सो आई विश सक्सेस टू द ओनर्स ऑफ द होटल एंड मे दे कीप सक्सीडिंग एंड रोरिंग एंड स्केलिंग ग्रेटर हाइट्स।
बहुत ज़्यादा। मैं तो अपने आप को भुक्कड़ बंगाली कहता हूँ, बिकॉज जहाँ बंगाली हो वहाँ पे खाने की जिक्र होती है। हम बंगालियों में एक कहावत है, यू नो वी हैव दिस सेइंग दैट अगर जेब में 100 रुपये भी हो तो माछ भात खा के ही मरना, मतलब मच्छी राइस खा के ही मरना। तो मैं उस पर बहुत ही अमल रहता हूँ, मतलब मैं खाना भी कुछ अच्छा बना लेता हूँ और मुझे खाना भी अच्छा है। इनफैक्ट मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि भाई स्टार्टर्स में क्या होगा, ऑलरेडी प्री प्लान करके आया हूँ, मैं अपना पेट वेट सब खाली करके आया हूँ ताकि अरे तो ये तो नहीं ये क्या हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं है, वेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे आई एम श्योर। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो अटेंडिंग द इवेंट एंड विशिंग ग्रेट सक्सेस टू द एंटायर फैमिली ऑफ द होटल्स एंड SK रिसॉर्ट्स फॉर दिस लवली इवेंट एंड आई एम वेटिंग टू गेट इनसाइड एंड हॉग एंड टूट पड़ो। करेक्ट, हाँ अनुभव तो ये है मेरा, चूंकि मैं 50 साल का हूँ और मेरे ज़माने में, मैं 1970s और 80s की बात करता हूँ, 1970s और 80s में क्या होता था, यू नो वी हमारे लिए होटल जाना मतलब एक पिकनिक वाली बात होती थी, मतलब हम शायद 6 महीने में एक बार होटल जाते थे, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। और आजकल इन टुडेज़ डे एंड एज होटल जाना, फूड कोर्ट्स जाना एक आम बात हो गई है, क्योंकि सैटरडे संडे जैसे हुआ नहीं फैमिली निकल पड़ते होटल जाने के लिए। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ रेगुलर अफेयर, इट्स नॉट अ, जैसे हमारे ज़माने में एक इवेंट हुआ करता था, मतलब फादर मदर बोलते थे कि चलो अगर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाओगे तो हम होटल में जाएंगे खाना खाने, तो ऐसा एक इवेंट बनता था। पर अभी आई थिंक आम बात है, तो आजकल रोज़ आपको आजकल ऐप्स भी मिलते हैं, तो ऐप्स के थ्रू आप बुकिंग भी कर सकते हो, आप जो भी आपको फूड ऑर्डर करना है आप कर सकते हो। बट होटल इज़ आई थिंक अ ग्रेट वे ऑफ मीटिंग पीपल टुगेदर, आप फ्रेंड्स को बुला सकते हो, फैमिली को बुला सकते हो, इकट्ठे आप एक दूसरे को मिलके, यू नो इट्स लाइक अ नाइस मीटिंग प्लेस। और फूड तो है ही है, करेक्ट। तो आई थिंक इतना शानदार जो होटल बनाया इन्होंने SK रिसॉर्ट्स जो है, क्योंकि मैं 6 साल पहले यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका हूँ, मेरे एक फ्रेंड की बेटी की शादी थी और यहाँ पे बहुत सारे अलग 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 क्विजींस के होटल्स हैं। मैं जब एंटर कर रहा था तो देर वॉज मेनी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड दोज वर यू नो वेरी एक्साइटिंग फॉर पीपल, मतलब एक ही जगह पे आपने इतने सारे अलग 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 क्विजींस के होटल्स ओपन किए हैं, आई थिंक इट्स रिमार्केबल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग ऑल द क्विजीन एंड ट्राइंग ऑल द रेस्टोरेंट्स हियर, होपफुली इफ दे कॉल मी फॉर द नेक्स्ट इवेंट। आखिरी सवाल, लोग कहते हैं औरतों से उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन लोग ये भी नहीं कहते कि मर्दों को अपनी उम्र बतानी चाहिए। मैं इसलिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है, लोगों को लगता है कि मैं शायद 35-40 साल के आसपास हूँ, पर चूंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और जो मैंने अभी तक बरकरार रखा है, जो मेरे से 5 साल उम्र में भी बड़े उनको मैं जी कह के बुलाता हूँ या सर या तो मैडम कह के बुलाता हूँ मैं, तो मैं यही जो आजकल की जो जनरेशन है, जो आपको बड़ी बुलाते हैं, यार बुलाते हैं, ब्रो बुलाते हैं, भाई बुलाते हैं, डूड बुलाते हैं, इसको मैं कट डाउन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं हमेशा छाप छाप के बोलता हूँ, ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ कि भाई मैं 50 साल का हूँ, दिखता नहीं हूँ पर मैं सोचता हूँ एक बूढ़े की तरह, दिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं योगा करता हूँ, पिछले 20 सालों से योगा कर रहा हूँ, फिट हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए जो रिस्पेक्ट जो है ना, क्योंकि आप क्या होते हैं, हम उम्र के साथ आप हम उम्र जैसे बिहेव कर सकते हो, पर एक बंदिश भी होनी चाहिए, एक दरार होनी चाहिए, एक जो एज गैप जो है, जनरेशन गैप है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मर रहा है, तो उसको बरकरार रखने के लिए मैं हमेशा अपना एज पे एम्फोसाइज करता हूँ। और क्या है, एज इज़ नॉट अ नंबर, यू नो मेंटली अगर आप यंग हो, इमोशनली यंग हो, तो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड आई डोंट लुक 50, आई गेस सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। लोग भी रहोगे प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दैट, इज़ गोना बी अ क्रेजी नाइट फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द म्यूजिक लवर्स, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूजा का पार्टी हुआ और ये ऑर्गेनाइजिंग में योगदान मेरा था बहुत सारा, खालिद भाई और शादाब भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं इनके साथ लगभग 10 साल से एसोसिएटेड हूँ, हमने मेहनत करके इसको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है, होप्स हो कि आप सब लोगों ने इन्जॉय किया होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी अच्छा करें, और जितना भी आप देख रहे हो हमारी मेहनत है जो अभी रंग ला रही है अंदर, एंड इट इज़ गोइंग ऑन गुड। थैंक यू। और आप कुछ पूछना चाहोगे?
हमने सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है, ऑल द सेलिब्रिटीज आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स ऑन इनसाइड, सब खुश है और पार्टी अच्छी खासी चल रही है। आपको भी इनवाइटेड है, आप भी आके आपका योगदान दे सकते हैं, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ऑल आर इनवाइटेड फॉर इट। पार्टी बहुत अच्छी चल रही है और मैं भी काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, सारे जन बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट ये जो मूजा होटल है इससे मेरा बहुत ही ज़्यादा पुराना रिलेशन है। यहाँ पे पहले भी क्लब्स थे, वहाँ पे मैं परफॉर्म करता था एंड आज बीइंग अ सिंगर मैं ओपन कर रहा हूँ आज क्लब वाइब को एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू खालिद भाई एंड शादाब भाई एंड स्पेशली द होल टीम ऑफ मूजा होटल। सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द सेलिब्रिटीज एंड ऑल माई गेस्ट, सो इट्स गोना बी अ ग्रेट नाइट फॉर श्योर। सॉरी, सो आई एम अ हार्ड कोर चाइनीज लवर, सो एंड जो कि मुझको यहाँ पे स्पेशली बोरीवली में वेन एवर आई फील टू हैव चाइनीज फूड एंड समथिंग ऑथेंटिक चाइनीज आई ऑलवेज ट्राई टू कम एट मूजा होटल। सो तो फूड लव तो मुझे चाइनीज़ पसंद है तो मैं हमेशा यहीं आता हूँ एंड क्लब वाइब का जो फूड एंड एवरी थिंग इज़ रियली रियली गुड। आप लोग भी आए हो आज तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस। सो हाँ, मेरा तो फेवरेट है चाइनीज़, तो मैं तो जब भी मेरा मन होता मैं इधर ही आता हूँ। सो या करेक्ट। सो होटल एक्सपीरियंस व्हाट आई फील इज बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट और मैं गिग्स करता रहता हूँ ऑल ओवर इंडिया, बाहर भी इंडिया के, तो घर से दूर रह के मुझको यही रहता है कि हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़रूरी होती है होटल में टू फील लाइक अ कंफर्टेबल पर्सन। तो होटल का मेरा यही रहता है क्लिनलीनेस एंड हॉस्पिटैलिटी, जो स्टाफ रहता है, जो कि यहाँ पे सब कुछ एक ए लेवल पे है और फूड ऑफ कोर्स अभी आपने पूछा था, तो एवरीथिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू बी आउट ऑफ आर हाउसेज एंड होटल्स में जहाँ भी स्टे करते हैं इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हॉस्पिटैलिटी मैटर करती है एंड वहाँ का जो वाइब है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग, जिम, स्विमिंग एंड एवरीथिंग, फूड 24/7 फूड सर्विस, कुछ कुछ जगह रहता है 24/7 नहीं मिल पाता, सो वी सफ़र अ लॉट। सो ये एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है फूड से, जो कि यहाँ पे मुझको एनी टाइम एनी थिंग सब कुछ मिलता है। सो या मूजा होटल इज़ वन ऑफ देम विच आई लाइक। थैंक यू। How are you guys? Hi. Yes. So I'm like having so much fun already because my best friend is here and Palash is here of course and thanks to Sandy for having me and I think it's gonna be a great club. Yeah, club kisko nahi pasand? Sab clubby vibe mein aaye yahan pe aaj sab I think party karenge. And I'm so excited for the night out tonight. And anyways, it's a Saturday night, and I love all this. Come now, I'll make you meet my friends. Come, yeah. come. So he actually came all the way from Bangalore to come with me to the event. So, thank you guys. Anything else? Yeah. So I'm too a vegetarian. So I too love veg food and I love wherever I can have my cuisines of veg and different style of dishes and I love trying out veg food anyways. So I'm so happy about it. आप कितना foodie हैं? मैं तो बहुत foodie हूँ यार, मुझे मतलब बहुत workout करना पड़ता है उस चक्कर में, बहुत foodie हूँ, like a hogger, like I love to eat food. Thank you so much. राज साहब पहले अपने आप को introduce कराएंगे आप हमारी media से। Hi, myself DJ Raj. I am in this industry almost 22 years. और आज ये ग्रैंड ओपनिंग के मौके पे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जो भी है वो सारे हमारे दोस्त लोग ही है, तो होप फॉर द बेस्ट नाइट लाइफ के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग सब आए और ये माहौल को और बढ़िया बनाएंगे। थैंक यू। आप
आज आप कुछ खास क्या करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में? सर आज ये ग्रैंड ओपनिंग में मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ एज ए गेस्ट डीजे, तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू भाई, दोनों चीजें यहाँ पर सही बात कही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कमिंग। यस सर। हाय एवरीवन, एक ही ब्रांड आपका प्यार लकी तरार। यस क्लब VYB जो है आज जो है लॉन्च हो रहा है, और आपको बता दूं ये एक यूनिक सा क्लब है, और यहाँ पे जैसे इनवाइट किया गया है मुझे, सो अब मे बी यहाँ पे एक छोटा सा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो भाई हमारे हैं मेहुल भाई, जिन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, इनवाइट किया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे साथ बहुत सारे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। कोई भी अच्छा काम होता है वहाँ पे हम डेफिनेटली हमें सपोर्ट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट VYB की टीम। यस सर, और कुछ? सो ऑल द बेस्ट टीम, आपकी लाइफ में खुशी आए, आप रहो हमेशा हैप्पी, आपके साथ है लकी। बहुत जल्दी मेरा नया गाना आ रहा है जिसका नाम है प्रेम रे रंग, जो नवरात्रि पे रिलीज़ होने वाला है। इस बार ये सॉन्ग धमाल मचाएगा पूरे इंडिया में, और सच में आप सब मिलके इस बार नवरात्रि सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता दी, ऑल द मीडिया टीम, थैंक यू वेरी मच, आपका प्यार लकी तरह। इंडस्ट्री के आज वो इस नाइट को ओपन कर रहे हैं, तो जितना भी प्यार है, जितने भी खुशी थे, वो सारी सबसे पहले इनके राज के लिए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम दैट वी आर हियर टुडे एंड वी आर गोना हैव अ ग्रेट टाइम। जब आप पंजाबी से पूछ रहे हो कि इतने बड़े पार्टियां नहीं, मतलब पार्टी शुरू हमसे होती है, खत्म हमसे होती है। कुछ कहना चाहेंगे पाजी, कुछ आमंत्रण है प्रोफेशनल फ्रेंड में? हाँ जी, प्रोफेशनल फ्रेंड में क्या चल रहा है आपके? प्रोफेशनल में जी, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 13th October को दिल दोस्ती दीवानगी, सो इट्स माय फर्स्ट डेब्यू मराठी फिल्म। सो जनता को यही बोलेंगे कि प्लीज कम टू द सिनेमा, बड़े अच्छे प्यार से हमने फिल्म बनाई है, सो प्लीज कम एंड दिस फिल्म विल टेक यू बैक टू योर कॉलेज लाइफ, कम विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। पाजी तुम कुछ कहना चाहोगे? जी पाजी, भाजी कुछ बोलना चाहो? भाजी का थैंक यू, इन्होंने इनवाइट किया सब, बहुत बहुत प्रार्थना जी। आप पढ़ते थे पीछे वाले, कैमरे से काट के आएगा फोटो लेना।